बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिलाल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लेक्चर नंबर 19 में पढ़ेंगे इथिकल हैकिंग, कि हमारे पास इथिकल हैकिंग क्या होती है। तो अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो हम लोग पढ़ते हैं अब इथिकल हैकिंग। अब एथिकल हैकिंग जो बेसिकली होती है वो सेम एज इट पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरह होती है। हम लोग जो है इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, उसकी कंप्लीट फेसेस, टूल्स वगैरह, इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़ी थी, तो आज हम लोग जो है वो इथिकल हैकिंग को पढ़ेंगे। इथिकल हैकिंग जो होती है वो पेनिट्रेशन होती है और वाइट हैकिंग होती है। अब वाइट हैट हैकिंग कौन सी होती है? जिस तरह हम लोगों ने हैकर्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी जिसके अंदर हमारे पास ब्लैक हैड, वाइट हैड, ग्रे स्किप किडीज वगैरह, स्क्रिप्ट किडीज वगैरह, और उसके बाद स्पॉन्सर्ड, ये सारे हम लोगों ने कुछ इसके जो टाइप्स पढ़ी थी। तो हमारे पास जो इथिकल हैकिंग में वाइट हैड हैकिंग आता है। वाइट हैड बेसिकली जो होते हैं वो सिर्फ जस्ट लीगल काम ही करते हैं, जायज़ काम ही करते हैं, किसी की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, किसी सिस्टम्स के अंदर वीकनेस जो है फाइंड आउट करते हैं। तो इथिकल हैकिंग बेसिकली यही है। इसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स वगैरह जो है वो यूज़ होती हैं, जो इसका बट जो इसका मेजर डिफरेंस होता है ना वो होता है कि इथिकल हैकिंग जो होती है ना वो लीगल होती है, यानी कि हम लोग लीगली इसको काम कर सकते हैं। तो जो इथिकल हैकर होते हैं ना, वो ना तो किसी, ना तो उनका कोई टारगेट होता है और ना उनका मकसद होता है कोई चीज़ जो यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन को स्टील करें, यानी कि ना उनकी इन्फॉर्मेशन को चुराना, ना तो ये किसी डैमेज करते हैं, कोई टारगेट वगैरह सेट करते हैं और ना एक इन्फॉर्मेशन को ये चुराते हैं। जस्ट एथिकल होते हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इजाज़त देती हैं, परमिशन देती हैं, लीगल इसको लीगल कर देते हैं कि ठीक है आप लोग जो है इसको वर्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे सिस्टम को चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि जब वर्नरेबिलिटी वगैरह मिल जाए, इन्हें इथिकल हैकिंग को वर्नरेबिलिटी वगैरह मिल जाए, तो फिर ये क्या होता है, ये हमारे फिर उसके बाद जो है फिर ये रिपोर्ट करते हैं, जो ऑनर होते हैं कंपनी के उसको रिपोर्ट करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ये होता है कि हमारा ये डाटा होता है, इसके अंदर हम लोग जो है वो फाइंड आउट करते हैं अपनी पेनिट्रेशन में वर्नरेबिलिटी को, और इथिकल हैकिंग जो होती है इसके ऊपर अटैक करते हैं, ताकि बाहर से इसको चेक करें कि किसी जगह पर कोई वीकनेस तो नहीं है इसके अंदर। तो ये होती है सिंपली इथिकल हैकिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है SIEM पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा इथिकल हैकिंग सिंपल है पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरह। तो अपना ख्याल रखें, जो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।